The following balance appeared in the book of New Town Limited on 1st January 2007. तो 1st जनवरी 2007 7 ही रहेगा। अरे यही 10 साल बाद आएगा 17 हो जाएगा, और 10 साल बाद आएगा 27 होगा। सम्स चेंज कभी नहीं हो सकता है। पिछले 10-20 सालों से सेम यही सवाल, चैप्टर यही रहेगा, सवाल भी यही रहेगा। बोलता है क्या क्या आपके पास बैलेंस है। तो 10% डिबेंचर सिंकिंग फंड का बैलेंस है 4,50,000। बोलिए जी, 10% डिबेंचर सिंकिंग फंड लायबिलिटी है, किधर लिखेंगे 4,50,000 को? देखेंगे बढ़िया से, 4,50,000 लिख दिया हम लोगों ने। अब आगे क्या बोल रहा है, 10% डिबेंचर भी है 6,00,000 का। तो चलो एक डिबेंचर अकाउंट हम लोग को बोलेगा बनाने के लिए तो बना देंगे, उसको भी हम लोग बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। और सिंकिंग फंड इन्वेस्टेड इन द फॉलोइंग सिक्योरिटीज, ये जो सिंकिंग फंड है आप जो देख रहे हैं, ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बोलता है सिंकिंग फंड को हम लोगों ने कहां इन्वेस्ट किया है। तो बोलता है 2,00,000 रुपया हम लोगों ने इन्वेस्ट किया 6% गवर्नमेंट लोन में। ये देखिए क्या बोल रहा है, सो 6% गवर्नमेंट लोन में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया कितना, 2,00,000। ठीक है, एंड लिख रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो अभी है कितना, 2,10,000। तो ठीक है, 2,10,000 रुपया हम लोग यहां पर लिख देंगे, ये हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, बट जो मार्केट वैल्यू है वो अभी कितना है, 2,00,000। ये फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट 2,00,000 के ऊपर होगा, और जब बेचेंगे तो 2,10,000 को ध्यान पर रख के बेचेंगे। आगे बढ़े, देखो आगे क्या बोल रहा है, जरा बढ़िया से देखना। आगे बोल रहा है कि 2,50,000 रुपया हम लोग जो इन्वेस्ट किए हैं वो 8% डिबेंचर में किए हैं, लेकिन उसका अभी वैल्यू कितना है, 2,00,000। तो देखिएगे जी, 8% डिबेंचर में भी हम लोगों ने डाल के रखा है कितना, 2,50,000 रुपया फेस वैल्यू है, बट उसका मार्केट वैल्यू कितना है अभी, ये बात क्लियर हुआ। देखो क्या बोल रहा है, तो बोलता है ये जो 4,50,000 रुपया है, ये 4,50,000 रुपया को हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। कैसे इन्वेस्ट किए हैं, एक तो 6% गवर्नमेंट लोन पे किए हैं, और उसका जो अभी वैल्यू है वो 2,10,000 है, और 4,50,000 में जो बच गया 2,50,000 रुपया वो 8% डिबेंचर में हम लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है, जिसका अभी वैल्यू है 2,40,000। आप में से कौन बताएंगे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट जो मिलेगा कितना मिलेगा इंटरेस्ट। देखो पहले 2,00,000 का 6% कितना हो जाएगा, और निकालिए 2,50,000 का कितना परसेंट, कितना हो जाएगा, 20,000। यानी टोटल मेरा हो जाएगा 32,000 इंटरेस्ट जो रिसीव्ड होगा हमारा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब आइए यहां पर बैलेंस हम लोग क्या लिखेंगे, नो डाउट 4,50,000 लिखेंगे, 2,00,000 और 2,50,000। अगला जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, बढ़िया से समझना। बोल रहा है आगे, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड, एनुअल जो हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं सिंकिंग फंड में वो कितना करते हैं, 96,000 ऑन 31st दिसंबर। तो पहले तो डेट तो बिठा दें, जनवरी है ना, इंटरेस्ट हमको मिलेगा इन्वेस्टमेंट का दिसंबर में, कितना मिलेगा कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिए हैं, समझते जाएंगे, इसके बाद कॉपी करेंगे। एनुअल कंट्रीब्यूशन, पीएल का मतलब क्या होता है, एनुअल कितना हुआ है, 96,000। आगे क्या बोल रहा है जरा देखिए ध्यान से,
annual contribution to sinking fund 96,000 made on 31st December every year. On 31st December, bank ka balance bhi hai, 3 lakh rupiah, after receipt of interest, interest received karne ke baad, 3 lakh, to bank ka bhi ek balance hai. The company sold all the investment, underline karo, company sara investment bhej de raha hai. Kitna mein bhej raha hai? At their face value mein bhej de raha hai, and 10% debenture were paid off, aur 10% debenture ko paid kar diye. To very simple ji, फेस वैल्यू में बेचे हैं और फेस वैल्यू हमारा क्या है साढ़े चार लाख. साढ़े चार लाख में ही हम लोगों ने क्या किया बेच दिया. ना कम में बेचे ना ज्यादा में बेचे तो हमारा बाई बैंक अकाउंट कितना होगा बोलिए साढ़े चार लाख. कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं लिखने का दरकार नहीं है. ये तो हमारे पास एक फॉर्मेट बना हुआ था उसी फॉर्मेट में हम लोगों ने क्या किया पुट किया. यहां पर देखिए कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं उसको टोटल कीजिए कितना आ रहा है बोलिए 5,78,000. कहां ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में. कॉपी करिए फिर से समझाते हैं आगे बढ़ते हैं. हो गया फिर से सुन लो. देखेंगे सबसे पहले आपको दो बैलेंस दिया हुआ है. क्या बैलेंस दिया हुआ है तो सिंकिंग फंड में बोल रहा है कि मेरा 4,50,000 है और ये 4,50,000 को हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है. कैसे इन्वेस्ट किया है तो बोलता है एक 6% गवर्नमेंट लोन में 2 लाख रुपया हम लोगों ने इन्वेस्ट किया जिसका आज का वैल्यू 2,10,000 है और एक 8% डिबेंचर में 2.5 लाख किया. तो 2 लाख और 2.5 लाख ये 4.5 लाख यहां लिखा है. 4.5 लाख 4.5 लाख. अब अगला क्या बोल रहा है सो देखिए. अगला बोल रहा है कि एनुअल कंट्रीब्यूशन 96,000 आप इसके पहले भी बना चुके हैं 96,000 लिख दिए. 32,000 कैसे आया तो यहां पर मैंने लिखा है 2 लाख का ऊपर 6% 2.5 लाख के ऊपर 8%. अब यहां बोलेंगे सर मार्केट वैल्यू के ऊपर क्यों नहीं इंटरेस्ट मिलेगा तो आप लोग सबको ही जानते हैं कि सिक्योरिटीज के ऊपर हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है. तो यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और यहां पर 32,000 लिख दिया. सम्स में अब बोल रहा है सिंपल कि हम लोगों ने सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया और डिबेंचर को पेड कर दिया. यहां पर बाई बैंक होता है बेचने का एंट्री. ना कम में बेचे हैं ना ज्यादा में बेचे हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस एट पार पे बेचे हैं. 4.5 लाख यहां पर लिख दिए. ये दोनों तो अपने आप इक्वल हो गया और वो सभी जोड़कर हम लोगों ने जनरल लेजर में ट्रांसफर कर दिया. यहां पर आपको क्या बोला है बनाने के लिए प्रिपेयर सिंकिंग फंड अकाउंट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. तो दो बनाया अभी तो बैंक अकाउंट नहीं बनाया तो बैंक अकाउंट नहीं बनेगा. बैंक अकाउंट में पहले से आपको बैलेंस दिया हुआ है. कितना बैंक अकाउंट का बैलेंस है बोलिए 3 लाख. 3 लाख रुपया बैलेंस है. अब देखो 3 लाख रुपया बैलेंस है और बैंक कहां कहां लिखे हैं आप. यहां पर कहीं बैंक है नहीं है. बैंक कहां पर है ठीक है. और फिर डिबेंचर होल्डर को आपने पेड किया है तो डिबेंचर होल्डर का देखिए कितना है. डिबेंचर होल्डर 6 लाख रुपया लिखा हुआ है ना 10% डिबेंचर अकाउंट. तो अगर आप अगर मान लीजिए डिबेंचर का अगर आप लेजर खोलते 8% अगर 8% डिबेंचर अकाउंट का अगर हम लोग एक खोलते तो क्या होता क्या होता बोलिए. डिबेंचर है तो हम बाई बैलेंस बीडी लिखते बट यहां पर कौन सा अमाउंट लिखेंगे हम लोग अगर बोलता खोलने के लिए तो यहां पर देखिए 10% डिबेंचर का अमाउंट दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है 6 लाख रुपया और बोलता है इसको हम लोगों ने पेड किया है तो हम इधर में बैंक भी लिख सकते थे. अदरवाइज डिबेंचर होल्डर लिखेंगे डिबेंचर होल्डर लिखेंगे तो एक बार और खुलेगा. तो मान लीजिए अगर हम लोगों ने यहां पर आपको समझाने के लिए डायरेक्ट बैंक लिख दिया बोला पेड कर दिए. अब बैंक अकाउंट बोल रहा है खोलने के लिए कितना आसान बात है. देखिए तो बैंक अकाउंट बैंक में पहले से कितना बैलेंस है आपका 3 लाख और ये बेचने से कितना आया 4.5 लाख. तो 3 लाख पहले से था 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट बेचने टोटल कितना हो गया 7.5 लाख. 7.5 लाख रुपया में आपने 6 लाख रुपया डिबेंचर होल्डर को पेड कर दिया तो बैलेंस कितना आएगा 1.5 लाख. तो आप अभी एक बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं. जहां जहां बैंक है उसके अपोजिट साइड में उसका एंट्री करते चले जाइए जल्दी करो.
31 दिसंबर को बैलेंस आपको दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है बैलेंस? 3 लाख रुपया इंटरेस्ट मिलने के बाद. एक बैंक अकाउंट यहां पर दिख रहा है, देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा. ये देखिए बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो वहां से हमारा आ रहा है डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. क्या किए? तो सोल्ड किए. कितना आया? 4,50,000. डिवेंचर होल्डर को आपने पेड किया बाय 10% डिवेंचर होल्डर अकाउंट, तो 6 लाख पेड करेंगे, 1.5 लाख रुपया बैलेंस हो गया. आइए ध्यान दीजिएगा, पहले से 3 लाख रुपया है, 4.5 लाख रुपया हम लोग बेचे हैं, 6 लाख पेमेंट किए, 1.5 लाख रुपया बैलेंस हो गया. बहुत छोटा सा बात था.